गुरुदेव प्रणाम, मैं अंदर जाता हूँ। जाइए, मैं सवारी टीका कराता हूँ। हरिओम, आप एकदम वक्त पर आए। ओवर टाइम मिलेगा, वक्त से पहले पहुँचूंगा तो। हम नदियों से रेत निकाल कर बेचे या लोगों के गुर्दे कलेजी बेचे, तेरे बाप का क्या जाता है? सारी ईमानदारी कट्ठे का तूने ले रखा है, हाथ में कलम आ गई तो कुछ भी छापेगा। तेरी बदकिस्मती की रिपोर्ट तो हम लिखेंगे। पूजा से पहले ही ये लोग नारियल क्यों फोड़ रहे हैं भाई? अब पंडित लोग नारियल फोड़ के श्री गणेश करते हैं, ये गुंडे हैं सर फोड़ के श्री गणेश करते हैं। तुम्हारा मतलब इनके लिए नारियल और मनुष्य एक जैसे हैं? देखिए, आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये लोग इंसान को डायरेक्ट भगवान तक पहुंचाते हैं। होए, को और डरा रहा है। आइंदा कभी मेरा नाम न्यूज पेपर में छापाना तो अगले घंटे में ही तेरी मौत की खबर छपेगी। बेटा, इस पूजा का कमीशन भूल जा, चलो जल्दी। ये यहाँ क्या देख रहे बे? ये पान की थाली पूजा में रख दे, और हाँ चूना मत लगाना। हाँ। मैं नहा के आता हूँ। हरिओम। पंडित जी, धुआं थोड़ा कम कीजिए ना, दद्दू को खांसी हो रही है। बेटा, तू अफ्रीका से आया है क्या? हवन की आग से धुआं नहीं निकलेगा तो क्या मेनका निकल के नृत्य करेगी? पंडित जी, दद्दू को दम्मे की बीमारी है, थोड़ा घी और लकड़ी कम डालो यार। तो क्या कैंडल जला के पूजा करते हुए? तेरी इतनी जल्दी तो खुदा के बढ़िया। लकड़ी डालता रहे, तू भी डाल। भगवान का काम है, थोड़ा पवित्र धुआं ले लो। पूर्णाहुति समर्पयामि। एक चीज नोटिस की आपने दद्दू, होम हवन सबके लिए था, लेकिन इसका सारा फल केवल आप ही को मिल रहा है। मेरा आपसे वादा है दद्दू, सुबह तक आप चेयर से उठ जाओगे। लोग फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं। दद्दू, दद्दू, यहाँ पे तो धुएं ने इनको उड़ा दिया। ऊपर वाले ने ऊपर उठा लिया। दद्दू, क्या हुआ, उठिए। हे दद्दू, ये तो भगवान को प्यारे हो गए। धुआं अंदर लिया फिर निकला ही नहीं। तू पंडित है, डॉक्टर नहीं, मुंह से फूंक मारेगा क्या? अरे क्या हो गया, अब क्या होगा? पंडित, तूने धुआं दे देकर दद्दू को मार दिया। अरे पवित्र धुएं से कभी कोई मरा है आज तक? इनका टिकट पहले ही कट चुका था, बस वीजा अभी मिला है, इसमें हमारा क्या दोष? हे लॉयर, कैसे हुआ? पुजारियों ने पवित्र धुआं दे देकर परलोक भेज दिया। इन चारों की समाधि यही बना दो। भाई, लगता है ये लोग कड़ियाई का काम करते हैं। भागो, भागो, भागो। अरे हम भी आ रहे हैं। ओम भागो, हरि ओम भागो। ए पंडित, इतना स्कूल में भागे ला रहता तो गोल्ड मेडल मिलता। ओम भागो यामी अंतर्यामी, तेज भागो यामी, जल्दी भागो यामी। ए पंडित, अरे थक गया यामी। अरे ओला उबर बुला ले, अब भागा नहीं जा रहा। मच गए। सही वक्त पे सिर नहीं झुकाते तो धरती माँ को हमारी आहुति मिल जाती। भागो। चलो चलो। गुरुजी, वहाँ देखिए, हमारी सवारी आ गई। कहाँ से प्रकट? अरे हमने ऑनलाइन बुक की थी, वहाँ प्रवेश कीजिए ना। एसी है ना, प्रस्थान करो। देखा भाई, एसी वाली टैक्सी में गए।
धुलाई मत करो भाई। तूने कमीशन के चक्कर में ढोंगी पंडित को बुलाया, हम लोग को लल्लू समझाया क्या? बता वो लोग कहाँ रहते हैं? भाई सच बोल रहा हूँ, मंदिर गया था तो जो पहले दिखा उसी को उठा के ले आया। माँ कसम मुझे उनका अता पता भी नहीं पता है भाई। ए नारी, उन चारों की अर्थियाँ हम ही उठाएंगे। मंदिर से लेके पाठशाला, पाठशाला से लेके गौशाला, हर जगह ढूंढो उनको। नजर आते ही दबोच लो और उन चारों की आठों किडनियाँ निकाल लो। आजाद भाई कहाँ मिलेंगे? वो अंदर मिलेंगे। तुम्हारी यहाँ भी मित्रता है? सब धर्म एक है गुरु। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? एकदम मस्त, दुआएं आपकी। आजाद भाई यहाँ थोड़ी देर आराम कर लें अगर आपकी अनुमति हो तो। उसने तो हमें एक समान बनाया लेकिन हम धर्म में बंट गए। लोग तो उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन रब तो सबके लिए एक ही है ना केदारी भाई। शुक्रिया भाई, आप आराम कीजिए। अपन कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? मैं तो बोलता हूँ पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस ने हम शरीफों के लिए कुछ नहीं किया, इन शैतानों के लिए करेगी। हमारी हालत त्रिशंकु जैसी हो गई है, इनसे बचने के लिए हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे पास एक योजना है बे, क्यों ना यहाँ से प्रस्थान। कहाँ के लिए? अमेरिका चले। नॉटी अमेरिका। अमेरिका जाएगा? तेरे दिमाग को मिर्गी आई है क्या? वहाँ जाके चर्च में रामायण का पाठ पढ़ेगा? मैं नहीं जाऊँगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे गुरुजी हमारी बात तो सुनिए, भारत से हर वर्ष कितने लोग वहाँ जाते हैं, उन्हें पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती होगी क्या? अब वहाँ भी मंदिर बन गए हैं। अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हमें दो लाभ मिलेंगे। पहला, हमें इन कसाईयों से छुटकारा मिलेगा और दूसरा, दिन दुगनी रात चौगनी दक्षिणा कमाएंगे गुरु। यहाँ एक रुपया है लेकिन वहाँ एक डॉलर 70 रुपए होते हैं। अपनी वरिष्ठ बुद्धि को जरा सा होशियारी का धक्का लगाएंगे तो लाइफ स्वाहा होगी। वहाँ पूजा और पूजा दोनों कर सकते हैं। वो लोग किल कर देंगे अगर यहीं पर रुके रहे, इससे अच्छा अमेरिका जाकर चिल करते हैं। जाए मेरी टूटी फूटी जूती, मैं अपने प्राणों का प्रण लेता हूँ। मैं क्या, मेरी आत्मा भी अमेरिका नहीं जाएगी? क्या समय आ गया है, अपने ही घर में चोरों की तरह छुपना पड़ रहा है। तो अमेरिका चलिए ना गुरुजी, वहाँ आवारा भवरे की तरह भिनभिनाते रहना। अरे फिरंगी अफसराओं ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो संस्कार धर्म आचरण सब भ्रष्ट हो जाएंगे। संस्कार का आचार डालोगे? वहाँ तो बाबा लोग योगा सिखा के करोड़ों कमा रहे। मैं पैसों का लोभी नहीं हूँ, कन्या का लोभी हूँ। मतलब अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, 55 साल का हो गया हूँ, वहाँ मुझे कौन कन्या दे? लोग जुगाड़ कर लेंगे। अरे विदेशी एक्सचेंज ऑफर भी देते हैं। मुझे देसी चाहिए, देसी मुर्गी और देसी घी अच्छा लगता है। लड़की और दारू तो विदेशी होनी चाहिए। मान जाइए ना गुरुजी, टिकट भी सस्ती चल रही है। अरे चुप रहो, मेरे दिमाग का होल बंद करो। वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चों के खिलौने, बड़ों के खिलौने। अरे पोटली, ये तो तालपत्र है। तालपत्र, ये कैसे गिरे? केदारनाथ जी गुरुदेव। अरे ये पूर्वजों के जमाने के तालपत्र हैं, नीचे कैसे गिरे? इन्हें संभाल के रखना चाहिए। मेरे पुरखों ने मेरी किस्मत एडवांस में लिख रखी थी, सोचो वो कितने एडवांस ज्योतिषी होंगे। गुरुदेव वैसे आपने कभी अपना भविष्य पढ़ा है? हाँ हाँ दिखा। 100 साल बाद हमारी अगली तीसरी पीढ़ी में एक प्रख्यात पंडित जन्म लेगा, अपने वंशजों का नाम रोशन करेगा, सिर्फ भारत वर्ष में नहीं बल्कि 7 समुद्र पार। यहाँ का पानी ले जाके वहाँ के समुद्र में संगम करेगा, विदेश में जाके वहाँ की देशी कन्या से विवाह रचाएगा। इसका मतलब है कि आप विदेश नहीं गए इसलिए आपकी शादी नहीं हो पाई, आपके महान पुरखों ने सब पहले से लिखा हुआ है। ये लाइन कभी नजर नहीं आई, बहुत बार पढ़ा है। आपने अवश्य पढ़ा होगा पर आप इतने व्यस्त रहते हैं कि भूल गए होंगे। एक बार हम अमेरिका चले जाएं तो बद्रीनाथ को दुल्हनिया मिलेगी और हमारा श्राद्ध भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अमेरिका का पानी नहीं करेगा। गुरुजी यमराज को हमारा एड्रेस मिल गया। भाई मुझे एक अंतिम संस्कार पे जाना है। भाई आजकल सब कुछ आधार कार्ड से लिंक हो गया, चलो निकलो। पंडित लोगों की फूंकी बजाओ, जाओ। तू तो गया पंडित। ऊपर वाले बचा ले। चिल्ड्रन ऑफ गॉड बिलीव इन गॉड, वो आपकी रक्षा करेंगे। गॉड अपने चिल्ड्रन का कभी भी बुरा नहीं करते हैं। आओ मिलकर प्रे करें। रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं, हम थक गए आमी, यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स कर यामी। माय ब्लेस्ड वन, भगवत गीता, बाइबल, ये किताबें इंसानियत का ही पैगाम देती हैं। आमीन। जेंटलमैन, चुप वरना भगा देंगे। आ बैठ। ओके फाइन मैन। भाई वो लोग चर्च में गए होंगे। चर्च में पंडित क्या हवन करेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया, चल आगे। कैसे चलता रहा तो बाल बच्चे होने से पहले ही बाल उड़ जाएंगे। इसीलिए तो हम चाहते हैं आप मरने से पहले वहाँ का क्रिसमस भी देख लें। भागते भूत की लंगोटी हो गया हूँ मैं, चलो अमेरिका। साइमन डोंट गो बैक, वी आर कमिंग। वहाँ जाके ट्रंप के कच्चे धोएंगे क्या? करेंगे क्या? भाई मत, वहाँ मेरा दोस्त है आदिदास, कालिदास का भाई। देवदास का साला करता क्या है? दरअसल लॉस एंजलीस में वेंकटेश्वर का मंदिर है ना, वहाँ वो ट्रस्टी है। आपको मुख्य पुजारी बनाएगा, इसे असिस्टेंट बना देगा, इसे उसका असिस्टेंट और मुझे कैशियर बना देगा। केदारनाथ अब जब जा ही रहे हैं तो मेरे पुरखों की दी हुई सलाह मान लें, भारत का संस्कारी पानी ले जाकर अमेरिका के समुद्र में संगम कर दें तो मेरा भी संगम हो जाएगा। इतनी तुच्छ बात। अरे प्रवीण, तू एक पीतल का लोटा
कांटा लेकर जा और समंदर का जल भरकर ला। Stop. I said stop. Please remove your watch, take out belts, electronics, jackets, shoes. आते ही स्वाहा कर दिया। बस धोती उतरवाना बाकी रह गया है। कहा था ना नंगे पोंगो के देश में नहीं जाना। गुरुदेव सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, अगर इन्हें शक हुआ तो हमारा चीर हरण कर देंगे। द्रौपदी थोड़ी है। बोलिए वरना वहाँ डालेंगे जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। कहाँ? काल कोठरी में। सायरन कहाँ बजा? कहीं आग लगी है क्या? बोरस्टस, लिफ्ट या कुर्ता? कुर्ता? कुर्ता आप करो। कुर्ता उठाइए गुरुजी, इन्हें तलाशी लेने दीजिए। कुर्ता उठा के क्या करेगा? पंडित को इज्जत प्यारी है। ये स्वाहा करे उससे बेहतर है आप ही उठाइए। बोरस्टस, दे बुलेट्स, टेररिस्ट। दे आर नॉट बुलेट्स, यंत्र, मंत्रित किया हुआ यंत्र। मेरी शादी के लिए है जी। व्हाट यंत्र? These are for good luck. Oh. Shubh bhagya. Pradesh. What's this? Jal, water. Water? नहाने का धोने का चौपाटी का पानी वाटर। What चौपाटी? पवित्र संस्कारी भारतीय वाटर। I think this is gold. You are smuggler. What is this? Actually, this is Hindu traditional water. Oh, all right, you can go. जाते जाते मेरा आशीर्वाद ले लो। वत्स, ऊपर वाले इसको हिंदी समझने की बुद्धि दे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। What's doing? अरे सर, actually he's giving you Hindu blessings. Go bloody Indians. गुरुजी गुरुजी कुछ विशेष वार्तालाप करना था। अभी मेरा मूड नहीं है, बाद में बात। मामला बहुत गंभीर है। अमेरिका देखने दे रहे भाई। वाह क्या ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ का मौसम भी बेईमान है। जल्दी पधारिए गुरुदेव, जल्दी। यहाँ की बालाएं बला की सुंदर हैं। वो देखो भूत पिशाच भी हैं। एक तस्वीर ले ले। बोलो स्वाहा। मुझे तो भाई गोविंदा गोपाला गुरुदेव मेरी बात तो सुनिए। अमरीका अमरीका, अरे वाह तारे जमीन पे बैठ जाते हैं तारे पे। अरे साइकिल जैक्सन भाई। गुरुदेव मेरी बात सुनिए तो। भागो डांस जिंका। अमरीका इतना भी बुरा नहीं है। तुमने अपने दोस्त आदि की बात की थी ना, जरा उसको मिस कॉल मार दे, मंदिर जाके नहा धो लेते हैं। आदिदास उसका नंबर? गुरुजी वो मैं आदि गुरु नंबर। तेरा मोशन स्लो क्यों हो गया? उसका नंबर नहीं है हमारे पास। नंबर नहीं है मतलब? आदिदास नाम का कोई है ही नहीं गुरुदेव। तूने गुरु को धोखा दिया? अरे आदिदास नहीं तो जमुना दास को कॉल कर। यहाँ सिर्फ हम ही आपके दास हैं। अब अमेरिका में क्या सनी लियोन के घर पर रुकेंगे? गुरुजी अमेरिका आने के लिए तैयार ही नहीं थे तो हमने झूठा मंत्र फूंक दिया। ये तेरी गुरु दक्षिणा है? उस दिन लंबी लंबी छोड़ रहा था अमेरिका में। मैं पुजारी, ये मेरा असिस्टेंट, ये उसका और क्या? और वो ट्रस्टी? आपका ट्रस्ट जीतने के लिए ट्रस्टी की कहानी बना दी। पर आए देश में कोई भीख भी नहीं देगा। अब साइलेंट मोड में क्यों चला गया? मौन व्रत रख लिया? तू यहाँ पे जरूर बाथरूम साफ करवाएगा।